बोलो। जैसे कि मतलब थोड़े से जो जिनका मन लग जाता है भगवान के चरणों में, तो वो कोई पिछले जन्म का है या इस जन्म में थोड़ी बुद्धि उनकी सही ये है? बात तो है, जिसका मन लगता है भगवान में, पिछले जन्म का भी बात होती है, एक जन्म की तो बात होती नहीं। कुछ लोग जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं बैठे हैं, अगर पिछले जन्म से किया ही होगा तभी यहाँ पे रह पा रहे हैं, मन लगा हुआ है। कुछ बच्चों का तो पूरा लगा हुआ है इसका, ये कौन माधव है? एज उम्र क्या आपकी? हाँ, 9 ईयर्स। ठीक है, हाँ, कितना टाइम हो गया माधव को? 1 साल हो गया कम से कम, 8 महीने, 8-9 महीने। सो 8-9 महीने पहले आया था माधव। सो निपुण भी है, ये कब आया था? हाँ, इसको भी उतना हो गया नहीं। सो ये भी इज लाइक अराउंड 14 ईयर समथिंग, 10, 8, 14। इनका मन लग गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, ये अपने आप 3 बजे उड़ जाते हैं हमसे भी पहले, और उठ के आरती यही लोग करते हैं और अपनी जपमाला करते हैं, अपनी सेवा करते हैं। मन पता नहीं कैसे लग गया, बाहर के बच्चों को तो खिलौने नहीं तो पागल हो जाएंगे, फिर अब इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे तो सारी दुनिया ही है ना। तो अब इसका मतलब पिछले जन्मों से है कुछ, पिछले जन्मों से है, वरना कुछ बच्चे आते हैं रोते ही रहते हैं, लगता ही नहीं मन, घर जाना है घर जाना है, रह ही नहीं पाते। कितने बच्चे आए रो रो के चले गए, पिछले जन्म में नहीं किया उन्होंने तो मन नहीं लग रहा, जिन्होंने किया है वो आते ही। ये तो बच्चे, ये जो है माधव और ये तो घर में भी फ़ोन नहीं करते, घर में ही फ़ोन नहीं करते, इनको तो मम्मी पापा की याद ही नहीं आती, नहीं करते ना दादा? माधव तो नहीं करता है ना, माधव कम करता हो नहीं, माधव तो है ही नहीं, बप्पन भी नहीं करता, बप्पन कहाँ है? चलो कोई नहीं, करते ही नहीं घर में फ़ोन, इनकी मम्मी फ़ोन करती है, कहते हैं बाद में बात करेंगे, अभी अभी सेवा कर रहे हैं हम, याद आ सकती नहीं होनी चाहिए। बोलो, छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं? अब दे अंडरस्टैंड, इस एज से उनको अंडरस्टैंडिंग है, तो पिछली 100% पिछली लाइफ से आ रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो पहाड़ होता है इनके लिए बहुत आसान है, ये 16 माला भी घुमा लेते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों से एक एक माला नहीं होती, हरे कृष्णा प्रभु जी, मन भाग रहा है, ये अपना माला करके ख़त्म भी हो गई, घूम रहे हैं अपना आराम से। सो पिछले जन्म का तो बहुत फ़र्क पड़ता है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है साधु संघ का। पिछले जन्म में भी उसने कोई साधु संगी तो किया होगा, तभी तो ऐसा बना है वो, हवा में थोड़ा ना बन गया वो, पिछले जन्म में ऐसे बैठ के लेक्चर सुने होंगे, समझा होगा, फिर मर गए होंगे, फिर पैदा हुए तो वही लेके पैदा हो गए, यहाँ विक्रम अनाश्वस्ती और शुरू कर दिया वहीं से। सो इसलिए साधु संघ सबसे इम्पोर्टेंट है। साधु संघ में जैसे आप सुन रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो बहुत अच्छा है, अगर आप साधु संघ लेके प्रश्न नहीं पूछोगे तो बेकार हो गया, आप बस सुन के हाँ हाँ हूँ कह के चले गए, वो तो बेकार हो गया ना। सो दैट्स द आइडिया, मच्चित मता था प्राणा। सो साधु संघ से चीज़ें बदलती हैं, क्लियर?